शैतान इससे बेखबर था, इस बात से नावाकिफ था, इस बात को नहीं जानता। आसमान से खुदा के आदमी जिस जमीन तक आप पहुंचे होंगे, मैंने इस पवित्र खून को कबूल कर लिया जो अपनी कुर्बानी के लिए है। अगर कोई काम का मारा है, अगर कोई गुनाह के अंदर है, अगर कोई बदी के अंदर है, खुद जी उठे वो आपको भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सब लोगों को और PCN चैनल देखने वाले तमाम साइमीन को भी खुदा यसु मसीह के बाबरकत नाम में पास्टर परवेज खोखर का सलाम पहुंचे। मैं शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर हम PCN चैनल के स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं ताकि खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत कर सकें। सो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो ईस्टर के ताल्लुक से है, क़यामतुल मसीह। और मेरे पास जो रेफरेंस है वो नए अहदनामा के अंदर से है, मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील जलील उसका 16वां बाब है। और मैं पहली आयत से आप सब लोगों के लिए तलावत करने जा रहा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के अंदर यूं लिखा है, जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यसु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पत्र से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। हफ्ते के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है, उसने उसे देखा है, यकीन ना किया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज चूंकि ईस्टर के ताल्लुक से, क़यामतुल मसीह के ताल्लुक से हम यहां पर बात कर रहे हैं, सो ईस्टर का जो लफ्ज है ये जर्मन जुबान के लफ्ज उस्टर से निकला है और उस्टर के मानी तुलुए आफ्ताब हैं। अब लफ्ज ईस्टर के मानी भी मशरिक या तुले आफ्ताब के हैं, यानी ईस्टर में रोशनी का जिक्र है, सूरज की बात है, उसके अंदर नई सुबह का जिक्र है। क्योंकि खुदा यसु मसीह ने कहा था कि नूर मैं हूं, मगर उसे तारीकियों में फेंक दिया गया। यसु उन तारीकियों से सिर्फ आफ्ताब ही नहीं बल्कि आफ्ताब सदाकत बनकर निकला। लिहाजा ईस्टर का दिन तस्दीक करता है कि यसु मसीह जिंदा है। यह बड़ी खुशाइन बात है। और जब हम ईस्टर के ताल्लुक से बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के एक स्कॉलर, यहां पर मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा, मसीहत के एक नामवर खादम पास्टर वसीमुल्ला खोखर साहब, अपनी किताब के अंदर मसीहत की तारीख में 3 दिनों को बड़ी अहमियत देते हैं और खास तौर पर उन्हें बयान करते हैं। मैं चाहूंगा कि जरूर इन दिनों का जिक्र यहां पर करूं। मसीहत की तारीख में गुड फ्राइडे का रोज, जो कि जुमे का दिन है, इसे ब्लैक डे यानी अंधेरे का दिन वो कहते हैं। और उसके बाद सैटरडे हफ्ते का जो रोज है उसे ब्लीक डे यानी नाउमीदी का दिन, और फिर इतवार का दिन है यानी ब्लेस्ड डे, बरकत का दिन। जुमे के दिन खुदा यसु मसीह को मसलूब किया गया। अनाजीले मुतफिका बयान करती हैं कि 12 बजे से
सुपहर 3 बजे तक पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा है। हालांकि उस वक्त सूरज अपनी पूरी आपोताप पर होता है और यूं मुबारक जुमे को हम ब्लैक डे कह सकते हैं। हफ्ते का रोज, जैसा कि हमने कलाम पाक से भी इसको तलावत किया देखा है, खुदा यसुम सी की लाश कब्र में रही है और जिसे इल्म इलाहियात के मुताबिक उसके आराम का दिन भी कहा जाता है, जबकि शागिर्दों और उसके दीगर ईमान लाने वालों के लिए नाउमीदी और मायूसी का दिन, जैसा कि हमने बाइबल मुकद्दस के अंदर से देखा कि जब यह खुशखबरी मरियम मगदलीनी तक पहुंची है और उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी, क्योंकि उनके पास नाउमीदी थी, खुदावंद यीशु मसीह से जुदा हो चुके थे, खुदावंद यीशु मसीह कब्र के अंदर थे और उसके शागिर्द जो 3 साल तक साथ रहे थे वो नाउमीदी के अंदर थे। कलाम ये बताता है उन्होंने सुनकर कि वो जीता है और उसने उसे देखा भी है यकीन ना किया, ये नाउमीदी के ताल्लुक से है। और फिर हफ्ते के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी यानी मरियम मगदलीनी, उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते थे रोते थे उनको खबर दी और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है और उसने उसे देखा है यकीन ना किया। इतवार का दिन, जिस दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह गुनाह, मौत और कब्र पर फतह पाकर मुर्दों में से जी उठे, बरकत का दिन कहलाया, जिसे आज हम ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर कहते हैं। और यूं ये दिन मसीहियों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश का दिन ठहरा। और मैं अक्सर जब मैं इस बात को सोचता हूं, देखता हूं, तो मैं चश्मे तसव्वुर से देख सकता हूं कि जिस दिन अब्लीस ने जश्न अजीम मनाया, जिस दिन मसीह को कब्र में उतारा गया, इस अजीम तारीख और बदसूरत अथागेड़े में जहां अब्लीस का तख्त है, दोज़ख की तमाम बदरूहों को अब्लीस के आगे सजदा करने के लिए तलब किया गया होगा, क्योंकि वो जानते थे, उनके इल्म में यह था कि मसीह मर चुका है और उसके शागिर्द उदास थे, मातम करते थे। वो शागिर्द जिन्होंने 3 साल तक खुदा यीशु मसीह के साथ रहकर बहुत सारे मौजज़ात को देखा, उसकी खिदमत के हवाले से जाना, देखा कि खुदा यीशु मसीह कैसे दूसरों के लिए सब कुछ, खुराक तक की बात है, शिफा तक की बात है, जो कुछ भी है वो मुहैया करता है। लेकिन यहां पर अभी कुछ और मंजर हमें पेश आता है, समझ आता है, जिसे हम देखते हैं। यीशु मसीह स्लीप पर अपनी जान दे चुका था और अब्लीस ने उन बदी की रूहों को तानी नजरों से घूरते हुए कहा होगा, मैंने इब्ने आदम पर फतह पा लिया, ये उसका गुरूर, ये उसका तकब्बुर हो, वो ये सोचता होगा, वो ये कहता होगा, हां मैंने इब्ने आदम पर फतह पा लिया, मैंने इब्ने आदम को शिकस्त दे दी है, ये उसका अपना ख्याल हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पहले रोज और फिर दूसरे रोज और इस तीसरे रोज मसीह यीशु का खून खुदावंद खुदा के तख्ते अजीम की तरफ साउथ पजीर है। पहला रोज जुमे का रोज, दूसरा रोज सैटरडे का रोज, तीसरा रोज संडे का रोज, खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून जो बहा दिया गया था, वो इस बात से बेखबर था, नहीं जानता था कि ये तो खून अब खुदावंद खुदा की तरफ, आसमान की तरफ जा रहा है। और पुराने अहदनामे के अंदर बड़ी खूबसूरत बात हमारे सामने है, हम इसे जानते हैं। पुराने अहदनामे के अंदर कहनों को यह बताया गया था, मैं यहां पर इसका जिक्र करना चाहता हूं ताकि कलीसिया इसको जान ले, अकवाम इसको जान ले, कबीले इसको जान ले। कहनों को यह हुक्म दिया गया था, यह उनको बताया गया था कि इस कुर्बानी के खून का एक भी कतर, नोट फरमाए कलीसिया, नोट फरमाए इस बात को, कि कुर्बानी के खून का एक भी कतरा जमीन पर गिरने ना दिया जाए जो वो खुदा के लिए लाए हैं। इनको हुक्म दिया गया था कि वो उसे एक बर्तन में जमा कर लें क्योंकि वो कीमती खून है। जब कहन कुर्बानी को गुजरानते तो उनको यह खास तौर पर यह हुक्म दिया गया था कि जब कुर्बानी गुजरानी जाएगी तो इस बर्रे का लहू जो है यह जमीन पर गिरने ना पाए, बल्कि इसको बर्तन में ले लिया जाए क्योंकि यह कीमती खून है, यह पाक खून है। यह तो एक बर्रे की कुर्बानी के ताल्लुक से था। और यहां पर हमें एक चीज सोचने और देखने की जरूरत है, तो क्या खुदावंद खुदा यीशु मसीह का बाप अपने इकलौते बेटे का लहू जो सारे बर्रों और बछड़ों के लहू से ज्यादा कीमती है,
तमाम दुनिया के बर्रों से और बच्चों से ज्यादा कीमती है, बेशबहा खून है। क्या जब यह खून बहाया जाएगा तो क्या यह खून यूं ही जमीन पर गिरता रहे? क्या यह खून यूं ही जमीन पर मट्टी के अंदर शामिल हो जाए? क्या इस पाक और पवित्र खून को खुदा महफूज नहीं कर सकता, नहीं करेगा? इससे बेखबर था और नहीं जानता था अब्लीस शैतान, इससे बेखबर था, इस बात से नावाकिफ था, इस बात को नहीं जानता। बस ऐसा कहना चाहिए कि खुदा के हाथ, यहां पर टेक्निकली बात को सीखिए, समझिए इस बात को, मैं यहां से मतलब यूं समझता हूं कि खुदा के हाथ आसमान से नीचे सलीब तक आप पहुंचे होंगे, आसमान से खुदा के हाथ नीचे जमीन तक आप पहुंचे होंगे और उन्होंने मसीह के खून को लिया होगा, यीशु मसीह के खून को खुदा बाप ने अपने हाथों में रिसीव कर लिया होगा, अपने हाथों में ले लिया होगा और अब वो खून बाप के तख्त की तरफ दुनिया के गुनाहों के लिए एक अबदी और आखिरी कफारे के तौर पर पेश होने के लिए ऊपर जा रहा था। आखिरी और अबदी कफारे के तौर पर, अब सलाना कुर्बानी की बात नहीं रही है, अब हर एक गुनाह के लिए कुर्बानी की अलग अलग जरूरत नहीं रही है, क्योंकि ये अबदी खून आखिरी कफारा, अबदी कफारा हो गया यहां पर और पाक और बेअब खून बहा दिया गया है और बाप ने अपने तख्त पर बैठे हुए अपने बेटे के खून को अपने तख्त की तरफ आते देखकर उसे ले लिया और दायमी कुर्बानी और दुनिया के गुनाहों के अबदी कफारे के तौर पर उसे कबूल कर लिया। हालेलुया, 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 अबदी कफारे के तौर पर उसे कबूल कर लिया और फिर इस जहां के दरीचों के जरिए से यह पैगाम नीचे पहुंचा, इस जहां के दरीचों के जरिए से यह पैगाम नीचे पहुंचा है, जमीन पर पहुंचा है, मैंने अपने बेटे के खून को कबूल कर लिया है, मैंने अपने बेटे के खून को कबूल कर लिया, मैंने इस पाक खून को कबूल कर लिया, मैंने इस पवित्र खून को कबूल कर लिया जो अबदी कुर्बानी के लिए है, जो आखिरी आखिरी फिदिया है, आखिरी कुर्बानी है, मैंने उसको हमेशा हमेशा के लिए कबूल कर लिया। तीसरे रोज फिर कुछ और वाकया ज़ुहूर पज़ीर हुए, उनको सुनिएगा, उनको देखिएगा। दुश्मन के तारीख स्याह और महीब तख्त वाले कमरे में हल्की सी रोशनी टिमटिमाई और फिर ये तेज से तेज होती चली गई, ये हल्की सी रोशनी, ये मध्यम सी रोशनी, फिर तेज से तेज होती चली गई है, हत्ता के उस जगह को रोशनी से मामूर कर दिया गया जहां पर अब्लीस मौजूद था। उस जगह को जो तारीख स्याह मकाम है, जो तारीख स्याह गढ़ा है, वहां पर अजीब रोशनी है और सारी जगह पर हर तरफ अब रोशनी ही रोशनी है और फिर बादरवा ने चीखना और चलाना शुरू कर दिया होगा और इधर उधर भागना शुरू कर दिया होगा रोशनी को देखकर, क्योंकि रोशनी का और अंधेरे का कोई मुकाबला है नहीं, खुदा का और अब्लीस का कोई मुकाबला है नहीं। और यहां पर मैं यही कहना चाह रहा हूं, अब्लीस आगे बढ़ा होगा और रोशनी के सामने सरनगु हो गया। शायद आप सोचेंगे कि दुश्मन के तख्त के कमरे में तो कोई रोशनी ना थी, जहां पर दुश्मन का तख्त लगा था, जहां पर ब्लीज का तख्त लगा था, जहां पर उसकी बादरवा मौजूद थी, वहां पर तो कोई रोशनी नहीं थी, तो फिर ये रोशनी कहां से आ गई, ये रोशनी कैसे हो सकती है? तो नोट फरमाए कि आज के दिन वहां पर रोशनी थी, ईस्टर के रोज वहां पर रोशनी थी और यह रोशनी किसी और की नहीं है, यह रोशनी सूरज की रोशनी नहीं थी, ये रोशनी की किरणें जो थी ये सूरज की किरणें नहीं थी, बल्कि ये रोशनी तो कुछ और ही तरह की रोशनी थी और ये रोशनी इब्ने खुदा की थी। हालेलुया, 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 ये रोशनी इब्ने खुदा की रोशनी थी, खुदा के बेटे की रोशनी थी, क्योंकि तीसरे दिन अब्लीस यीशु को काबू में ना रख सका। नोट फरमाएं, शाद हो जाएं, खुश हो जाएं, इस रोज अब्लीस यीशु मसीह को अपने कब्जे में ना रख सका, कब्र भी उस पर गलबा ना पा सकी है, क्योंकि तीसरे दिन अब्लीस यीशु को काबू में ना रख सका, कब्र भी उस पर गलबा ना पा सकी है, मौत भी उसको हड़प ना कर सकी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अब्लीस मौत और कब्र पर यीशु मसीह ने फतह पा ली, वो जी उठा था और यही तो खुशखबरी थी जिसे उस वक्त मरियम मगदलीनी को दिया गया था। मरियम मगदलीनी जाकर आगे शागिर्दों को जो खुशखबरी दी थी वो अब यहां नहीं है, वो जी उठा, ये थी खुशखबरी। और तीसरे दिन वो जी उठा और दुश्मन के तख्त के कमरे से होता हुआ गुजर गया। क्यों गुजर गया? क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है
खुदावंद यीशु मसीह की कोई भी बात, उसके मुंह से निकली हुई कोई भी बात, उसका किया हुआ कोई भी काम ऐसा नहीं था बल्कि ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक था। क्योंकि ये लिखा है यशाया 61 बाप उसकी पहली वर्ष आपके सामने तलावत करने चाह रहा हूं, लेकिन खुदावंद की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों को रिहाई दूं और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। हालेलुया। अपने बाप का काम पूरा करने के लिए आया हूं कि पैदा होने वाली कलीसिया को दुश्मन की तमाम कुवतों पर फतह बख्श सकूं। अब मैं इस काम को पूरा करने के लिए आया हूं कि जब कलीसिया पैदा हो रही है वो यीशु मसीह कि कलीसिया यीशु मसीह का बदन अब अबलीसी कुवतों पर गलबा पा सके, अबलीसी कुवतों के ऊपर फतह पा सके। मैं इसलिए आया हूं, पास हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अबलीस के तमाम ताकतों पर गलबा पा लिया और उससे बादशाहत की चाबियां छीन ली। हालेलुया। अबलीस से बादशाहत की चाबियां ही छीन ली और फिर कैदखानों के दरवाजे खोलकर और असीरों को आजाद करके कब्र से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी खुशाइन बात है, वो सिर्फ खुद ही आजाद नहीं हो गया, उसने सिर्फ खुद ही कब्र के बंद नहीं खोल दिए बल्कि कलाम यह बताता है उसने असीरों को भी आजादी दे दिया। वो और बहुत सारों को कैद खानों के दरवाजों को उसने खोला है, असीरों को आजाद करके कब्र से उसने आजाद कर दिया है। और अब इस वक्त ये इख्तियार आपके और मेरे पास है, आज ये बरकत आपके और मेरे पास है, आज ये बरकत कलीसिया के पास है, आज ये बरकत चर्च के पास है, आज ये बरकत खुदा के लोगों के पास है, आज ये बरकत खुदा की बेटियों के पास है, खुदा के बेटों के पास है जो उसके खून खरीदे हैं। और कलाम मुकद्दस में बताता है लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील जलील उसका 10वां बाप उसकी 19वीं आयत को अगर हम पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि जाओ सांप और बिच्छू को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ। जाओ जाकर इब्लीस की सारी कुवत पर गालिब आ जाओ, सांप और बिच्छू को कुचल दो। ये इख्तियार मैंने तुम्हें दे दिया, क्योंकि ये वो इख्तियार था जो यीशु मसीह ने उस वक्त अथाह घड़े में से होते हुए जब वापस निकला वहां से, जब उठा वहां से, जब निकला वहां से, तो वो उसने जब इब्लीस को मखलूब किया है तो उस वक्त ये इख्तियार उसने कहा, अब मैं ये अपना इख्तियार अपनी कलीसिया को देता हूं, अपने बेटों को देता हूं, अपनी बेटियों को देता हूं जो मेरे खून से खरीदे गए हैं, जो मेरे पाक लहू से धुल गए हैं। हाँ, और अब ये इख्तियार आपके और मेरे पास है, क्योंकि पहला यूहन्ना का खत उसका 4वां बाब और 4वीं आयत के अंदर बड़ा खूबसूरत लिखा है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है। इस आयत को नोट करवा लीजिए, हर डरने वाला शख्स, हर मेरी डरने वाली वो बहन, हर वो मेरा भाई जो कलीसिया मेंबर है, जो अपने आप को मसीह का खून खरीदा कहता है, जो अपने आप को पादरी कहता है, जो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, जो अपने आप को खुदा की बेटी कहती है, कवायर की मेंबर कहती है, वो इस आयत को नोट फरमा ले। यहां पे लिखा है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है, जो इस दुनिया का खुदा है, जो इस जहां का खुदा है उससे वो बड़ा है जो तुम्हारे अंदर रहता है, जो तुम्हारे अंदर बसता है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, वो से कहीं बड़ा है जिस जहां का खुदा है। सो आज वो सारे लोग, वो सारी मेरी बहनें, वो मेरे भाई, वो चर्च, वो कलीसिया, वो यीशु मसीह का बदन जो उसके लोग हैं, उसके खून से खरीदे गए, आज भी इस बात को याद रख लें, आज उस बात को अपने पल्ले बांध लें कि वो यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं, वो जी उठा है, उसने कब्र पर फतह पाई है, उसने मौत पर फतह पाई है। और ब्लेस्ड डे है, इतवार का ये रोज ब्लेस्ड डे है, ईस्टर रोशनी का दिन है, सूरज की रोशनी का दिन, आफ्ताब सदाकत का दिन है, क्योंकि कब्र पर, मौत पर और अबलीसी कुवतों पर खुदावंद खुदा ने फतह पाई है। अबलीसी कुवतें डर रही हैं, कांप रही हैं, वो उस वक्त भी डर रही थी, कांप रही थी, आज भी डरती हैं, आज भी कांपती हैं, उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, उसके पास कोई जोर ही नहीं है कि वो आपको डराए, आपको धमकाए। इसलिए मैं आज खुदा के खादिम होने के नाते से ये ऐलान करना चाहता हूं, पुलपट पर से ये ऐलान कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आप यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, खुदा यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया है, वो खुद भी आजाद हो गए, वो सीरों को रिहाई दिलाने के लिए आए थे। मैं और आप अगर किसी वजह से सीर थे तो आज मुझे और आपको खुदा ने रिहाई दी है, आज मुझे और आपको खुदा ने आजाद कर दिया है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, जितनों ने, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम के अंदर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया सारी, दुनिया सारी, कौमें सारी, उम्मतें खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी
कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो भी ईमान लाएगा मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज आप इस कलाम को सुन रहे हैं, आपने इस पाक कलाम को सुना है, आपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को जाना है, आपने उसके इख्तियार को जाना है कि उसका कैसा इख्तियार है, मौत पर फतह पाई है और बिरसी कुवतों पर फतह पाई है, तो फिर आज उसके इख्तियार को जान लीजिए। मैं खुदा का खादम होने के नाते आज यहां पर ऐलान करना चाहता हूं, यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर कोई दुख का मारा है, अगर कोई गम का मारा है, अगर कोई गुनाह के अंदर है, अगर कोई बदी के अंदर है, अगर कोई बलीसी तासीरों के अंदर मौजूद है, अभी इस वक्त भी झगड़ा पकड़ा पड़ा है, तो आप ईमान रखिए कि आपका मसीही जो खुद आजाद हो गया है वो आपको भी आजाद करने की कुदरत रखता है, जो खुद रिहा हुआ है वो आपको भी रिहा करने की कुदरत रखता है, जो खुद जी उठे वो आपको भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। आप क्यों ना मौत के मुंह में हो, क्यों ना बलीस के शिकंजे में हो, मेरा खुदा आपको आजाद करने की कुदरत रखता है। आए अपने सरों को झुका लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, मैं यहां पर आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। और जितनी जिंदगियां आज उदास हैं, आज परेशान हैं, आज दुख के अंदर हैं, आज बीमारी के अंदर हैं, आज तपाली के अंदर हैं, मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद आपको आजाद करने जा रहा है, खुदावंद आपको रिहा करने चाह रहा है। आज आजादी का दिन है, आज रिहाई का वक्त है, आप भी रिहा होंगे, हम सब रिहा होंगे, जितने लोग भी हैं वो रिहा हो जाएंगे। आए आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, आपकी बदनी कमजोरी जाएगी, आपकी रूहानी कमजोरी जाएगी, स्पिरिचुअली तौर पर खुदा आपको नया जोर आज दे देगा, क्योंकि ये खुशी खुदावंद ने आपके साथ बांटी है। वो जी उठा है, वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। दुनिया की सारी कब्रें आज भी भरी पड़ी हैं, लेकिन मेरे मसीहा की कब्र खाली है, वो आज भी कब्र खाली है। दुनिया की सारी कब्रों के अंदर एक ही कब्र खाली है और वो मेरे यीशु की, मेरे मसीहा की है। आए आंखों को बंद कर लीजिए। जलाली आसमानी बाप, मैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा खादम होने के नाते से आज इस जगह पर खुदावंद आज पुलपट पर से ये ऐलान करता हूं, तेरे बच्चे तेरी बच्चियां मेरी माएं मेरी बहनें मेरे लोग चर्च कलीसिया गैर अकवाम गैर कबीले जो कोई भी हैं, आज जितने यीशु मसीह के पास आने के लिए अहद बांध लिया है, उन्होंने सच्चा इकरार कर लिया है, मैं खुदा का खादम होने के नाते आपके लिए बरकत चाहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ए खुदा अपने लोगों को आजाद कर दे, ए खुदा अपने लोगों को आजाद कर दे, ए खुदा अपने लोगों को बहाल कर दे, क्योंकि इस तरह के इस मौका पर एक ही नाम है और वो यीशु नाम है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है और आजाद हो गया है और आजाद कर गया है और बहुत तो आजाद कर गया है। अब मेरे पाक खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं कि तू मेरी सुनता है। खुदा मैं जब तुझसे मांगता हूं तू मेरी सुनता है। मैं ईमान रखता हूं कि तूने अपने लोगों को आज आजाद किया है, आज बहुतों को रिहा किया है। खुदा मैं तेरा शुक्र हो, आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।